आज हम आपको ये बहुत ही सिंपल और आसान सा ये डिज़ाइन बुन करके बताएंगे। इसे बनाने के लिए आपको फंदे लेने होंगे 10+3 के मल्टीपल में, और इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हैं। ये किसी पे भी बनने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही आसान डिज़ाइन है। इस डिज़ाइन को सिर्फ उल्टे और सीधे फंदे को बुनते हुए हमें बनाना होता है। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बुनना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास है टोटल 23 स्टिचेस, तो रो वन हम रॉन्ग साइड से बुनना शुरू करेंगे। शुरुआत के 3 फंदे को उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। अब नेक्स्ट फंदे से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, ऊन पीछे की तरफ 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है शुरुआत के 3 फंदे को छोड़ करके। यही 10 फंदे हम रिपीट करेंगे रो वन के एंड तक। तो अब हम दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे, 7 फंदे सीधे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको रो वन को बुन करके कंप्लीट कर लेना होगा। और ध्यान रहे कि आगे रॉन्ग साइड रो थर्ड में भी हमें सेम रो वन को ही रिपीट करना होगा। अब राइट साइड रो टू में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे। तो शुरुआत के पहले 3 फंदे को सीधे बुनेंगे, और अब नेक्स्ट फंदे से हम रिपीट स्टार्ट करेंगे, 7 फंदे उल्टे बुनेंगे, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। अब देखिए यही 10 फंदे हम रिपीट करेंगे, ऊन आगे की तरफ 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। नेक्स्ट 3 फंदे सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से रिपीट करते हुए आपको रो टू को बुन करके कंप्लीट कर लेना होगा। और नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो थर्ड को जैसे कि मैंने पहले ही बताया रो वन के जैसे ही आपको बुन करके कंप्लीट कर लेना होगा। अब हम राइट साइड रो फोर में आ गए हैं, और रो फोर में हमें सभी फंदे को सीधे ही बुनना होगा। तो इसी तरीके से सभी फंदे को सीधे बुनते हुए रो फोर को बुन करके हम कंप्लीट कर लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड रो फाइव में आ गए हैं। शुरुआत के 3 फंदे सीधे बुनने के बाद हम रिपीट स्टार्ट करेंगे। और अब 2 फंदे और हम सीधे बुनेंगे, ऊन आगे की तरफ 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। नेक्स्ट 5 फंदे अब सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। अब देखिए यहाँ पे हमारा रिपीटेशन ख़त्म होता है शुरुआत के 3 फंदे को छोड़ करके। यही 10 फंदे हम रिपीट करेंगे रो 5 के एंड तक। तो अब हम दोबारा रिपीट स्टार्ट करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, यानी बीच में हमारे पास टोटल 7 फंदे सीधे होने चाहिए। नेक्स्ट 3 फंदे अब उल्टे बुनेंगे। और अब 5 फंदे फिर सीधे बुनेंगे, 2, 3,
चार और पाँच। और ये देखिए रो फाइव हमारा बुन करके कंप्लीट हो चुका है। ध्यान रहे कि आगे हमें रो सेवन में भी सेम रो फाइव को ही रिपीट करना होगा, या जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही हम बुनेंगे। अब हम राइट साइड रो सिक्स में आ गए हैं। रो सिक्स में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनेंगे, तो शुरुआत के पांच फंदे उल्टे बुनेंगे। पहले तीन, चार और पाँच, उन पीछे के तरफ तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो और तीन, नेक्स्ट सात फंदे अब उल्टे बुनेंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, तीन फंदे सीधे बुनेंगे। एक, दो और तीन, और अब बचे हुए पांच फंदे को उल्टे बुनेंगे। और रो सिक्स भी बुन करके कंप्लीट हो चुका है। रॉन्ग साइड रो सेवन को सेम रो फाइव के जैसे बुन लेने के बाद अब हम राइट साइड रो एट में आ गए हैं। इस रो में हम सभी फंदे को सीधे बुनेंगे। इसी तरीके से सभी फंदे को सीधे बुनते हुए हम रो एट को भी बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए रो एट तक बुन लेने के बाद ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो वन टू एट को रिपीट करना होगा, और ये डिज़ाइन इसी तरीके से आगे आगे बनते जाएगा।